हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई आपको पता है कि हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 75 का 175 का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में जैसा दुर्योधन भाई आ गया था अभी न्यूज़ के पास, लेकिन वो तीर टूट गया था क्योंकि उस पर भाई दुर्योधन ने बनाया था कृष्णा जी का। देखते हैं अब कृष्णा जी और बलराम जी किस पक्ष में जाते हैं, क्योंकि जिस पक्ष में वो होंगे वो पलड़ा भारी होगा और वो सब देखते हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तीर टूट गया। इमोशनल ना करें, ये बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे। मस्तक नहीं कटा, अभी समझाते हैं। क्योंकि मेरे दोनों मामा श्री के मस्तक में अधर्म का साथ देने का विचार चंद ले ही नहीं सकता। कच्चा कच्चा नहीं है। अति उत्तम पुत्र अभिमन्यु, यथार्थ पहचाना तुमने अपने मामा श्री को, दोनों मामा श्री को। अब तुम्हारे गदा युद्ध शिक्षण का समय हो गया है। जाकर मेरी प्रतीक्षा हां जी। कल्याण। गदा भी वो भी सीख रहा है भाई, कुछ सीख रहा है। मूर्ख दुशासन भाई आपका दोस्त। तो क्षमा कीजिएगा महाबली श्री बलराम, किंतु आपने तो वचन दिया है कि आप, मैं पांडवों की ओर से शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ जी, परंतु ये आश्वासन भी कभी नहीं दिया था गांधार राज कि मैं कौरवों की ओर से युद्ध करूंगा। हाँ जी, सुने पॉइंट अभी। तो फिर आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए? मैं इस युद्ध में किसी भी पक्ष की ओर से युद्ध नहीं करूंगा। अगली बात सुनिए, क्योंकि दोनों पक्ष मेरा परिवार की तुम और मैं अपने परिवार से युद्ध कैसे कर सकता। बुरा लगता है दिल से। अर्थात क्या वासुदेव और उनकी नारायणी सेना भी इस युद्ध में भाग नहीं लेगी गुरुदेव बलराम? उसका निर्णय उसी से पूछ। कृष्ण ही नारायण और नारायणी सेना से संबंधित सभी निर्णय तो नारायण ही ले। दुर्योधन, जाकर कृष्ण से मिलो, उसने मुझे वचन दिया है कि वो पक्षपात नहीं करेगा। हाँ जी, जो भी सर्वप्रथम उसके सम्मुख उपस्थित होगा उसे वह मनवांछित सहायता देगा। बलराम जी तो साइड हो गए, परंतु स्मरण रहे जिस ओर कृष्ण है विजय श्री भी उसी ओर भाई। इनके मुंह अब देखने वाले और सोच रहे होंगे कि इधर क्या करने आए। मेरे बच्चे, तुम शीघ्र जाकर वासुदेव कृष्ण से मिलो। अभी अर्जुन मिले उससे पहले तुम जाकर मिलो। स्मरण रहे किसी भी स्थिति में वासुदेव कृष्ण हमारे पक्ष में होने चाहिए और उनकी वो नारायणी सेना भी। शीघ्र जाकर उनसे मिलो। शीघ्रता करो मेरे बच्चे, शीघ्रता करो। ओ जल्दी करो जल्दी। सोचा भी नहीं।
है। आरे आरे परेशान, आरे ज्येष्ठ भ्राता श्री का संदेश है। उन्होंने भ्राता श्री कृष्ण तथा यादवों की सेना को युद्ध में पक्षकार होने की अनुमति दे दी है। आप शीघ्र ही जाइए, जल्दी जाना चाहिए, जल्दी। भ्राता श्री कृष्ण से विनती कीजिए कि वो नारायणी सेना के साथ हमारे पक्ष में आ जाए। माधव ने सदैव ही सत्य और धर्म का पक्ष लिया। यदि हमारे पक्ष में धर्म नहीं है तो फिर उनसे क्या मांगना? सही है। मांगना होगा, अरे फिर भी मांगना होगा। कृपा बिना मांगे मिलती है, किंतु आशीर्वाद, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। मांगना पड़ता है, सही बात। और यदि बिना मांगे भ्राता श्री ने आपका साथ दिया तो भ्राता श्री दुर्योधन कहेंगे कि वासुदेव ने पक्षपात किया। उनके समक्ष जो पहले उपस्थित होगा वो उनसे जो भी मांगेगा उसे वो अवश्य दे देगा। अच्छा, अर्जुन को जल्दी जाना चाहिए। आप शीघ्र जाइए आर्य। धृतराष्ट्र पुत्र से पूर्व आपको भ्राता श्री के सामने उपस्थित होना ही होगा। आप शीघ्र जाइए। आप भी शीघ्र जाइए, जल्दी चलो भी यार। यार सोच यार, यार यार सबर करें, सबर। चले 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 चले। क्या युद्ध होता है? आज उस पुरानी धुन में जब शुरू से आए थे। हर किसी के मुकद्दर में कहाँ है ये? और ये देखो, और कितने कितने तरुण क्या है। अर्जुन आया है। यहाँ पे जो कला काम आएगी ना वो देख लिया। ओए होए होए होए, लो जी ये हाय। क्या बात है, ये होती है बात माधव के चरणों में। Oh.
भूमि पर क्यों बैठे हो? याचक का स्थान तो भूमि पर ही होता है माधव। हाँ जी। तुम याचक नहीं पार्थ, मेरे मित्र हो। दुर्योधन भी है। यदि मित्र हो तो स्थान का क्या महत्व? युवराज दुर्योधन भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस अरे भ्राता दुर्योधन, आप सर पर बैठे थे ना, इसलिए दिखाई नहीं दी। क्षमा कीजिएगा। क्षमा करना यार हो जाता है। वासुदेव, मैं आपके सर पे नहीं बैठा हूं, सर के पास बैठा हूं। उत्तम उत्तम है। जलपान कीजिएगा। द्वारका की गायों के दूध का बना क्षीरपाक वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। वो गुस्सा। आभार वासुदेव, मैं यहां जलपान करने नहीं आया। महत्व के विषय में मंत्रणा करने आया हूं। मंत्रणा भी अवश्य करेंगे भ्राता दुर्योधन जी। पहले पार्थ की याचना तो सुन लूं। कहो पार्थ। किंतु वासुदेव ना, आपने तो गुरुदेव बलराम को वचन दिया था कि जो सबसे पहले आपके पास आएगा आप उसके पक्ष में जुड़ेंगे। असंभव। दाऊ मेरे कथन का ये अर्थ निकाल ही नहीं सकते। मैंने ये कहा था कि जो मेरे समक्ष सबसे पहले आएगा उसका मांगा हुआ मैं अवश्य दूंगा। प्रथम तुम कहो पार्थ। क्या होगा ये हुआ है, आपको समझने लगी जो हुआ है? अभी देखेंगे आगे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें भाई कि क्या देखना है भाई। आपको समझ नहीं आ रही, अब मैं बताऊंगा तो फिर आप बोलेंगे कि यार आपने पहले ही बता दी सब कुछ। नहीं आप आगे आप चीज़ें समझे, लेकिन देखो ना भाई, एक सुपुत्रा ने काफ़ी अच्छा काम किया, अर्जुन को बोला कि आप भी जाएं। शकुनी मामा समझ गया था, दोनों को यही लगा क्या कि जो पहले गया था उसकी एक मानी जाएगी, लेकिन और भी बीच में खतरनाक बुद्धि है ना। इधर में देखे ना कि दुर्योधन तो पहले पहुंचा है, ठीक है ना। दुर्योधन बैठा हुआ किधर? हाँ ये है, बैठा हुआ था, सर पे बैठे हुए थे। सर पे बैठे हुए थे? नहीं मैं सर पे नहीं, सर सर के साथ यार। कितना आज भोला बन रहा है भोला भाई, मुझे यकीन माने ना हो यार। भाई इधर आके बैठना था जिधर अर्जुन बैठा है, इधर कुछ लेने आए हो तो इधर बैठो भाई, तब जाके कुछ मिलना है। आप तो अभी भी अकड़ में है। दुर्योधन की अकड़ नहीं जाएगी कभी भी, आप देखो ना। अब देखा जाए ना तो बलराम ने सही स्टेप ले लिया है। बलराम जी दोनों साइड पर नहीं आएंगे, उन्होंने अपना वचन भी निभाना है। अभी साइड पे हूं, लेकिन जो अर्जुन के पुत्र ने जवाब दिया है ना भाई, वो ठीक परफेक्ट लगा है जाकर। अभी मन हो हाँ, वो परफेक्ट लगा है, बड़ा प्यारा। काफी मुश्किल लग रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आ जाए, दिन से सुना है यार, हमें नहीं बोला भाई। आहिस्ता आहिस्ता आपके आ जाएगा जुबान पर, लेकिन ये कि आपके जुबान पर एक ही लफ्ज प्यारा लगता है, मूर्ख दुशासन। वो आपने उसको नहीं छोड़ना, बाकी इधर वालों का देखेगा। उसका सीने ही चीरना है भाई, बस हमारा मिशन जल्दी कंप्लीट। बाकी देखो आप क्या मांगते हैं और सामने मांगते हैं कि नहीं, सबसे बड़ी योजना तो ये है। लेकिन ये कि अब इसमें होगा आगे क्या, वो तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे। लेकिन ये कि अब पहले सुनेगी तो भाई अर्जुन की नहीं, चलो नहीं, ये आगे देखेंगे। कोई पता नहीं चलता, आप हमारे गैस फेल हो रहे हैं आज। चलो बहुत हम फेल हो रहे हैं। और पहले आज फिर मैं देख रहा था यार कमेंट, शायद मैं शाम को, कि लोग बोल रहे हैं कि आपने भाई यार रेडी जो दूसरे चैनल के साथ है उनके साथ मिलकर देखी हुई है मां बाप। नहीं नहीं हमने नहीं देखी यार, ये मुझे कमेंट ना अच्छा नहीं लगा। आपको बिलीव क्यों नहीं होता, हमने तो जिधर हम ब्रेक लगाते हैं ना, उधर से भी नहीं स्टार्ट आगे करते ना, कि सारा काम ही खराब हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो आता है, जब एपिसोड खत्म होती है तो ये हमारे बॉस साहब जो है ना, ये बहुत तेज है, ये फौरन ब्रेक लगा लेते हैं यार, मजा ही खराब हो जाता है। मजा ही नहीं आता ना, नहीं आता रिएक्शन देने का, ऐसे मजा ही नहीं आता। अगर
पहले देखी हो। बिल्कुल हम भाई आप यकीन माने स्टार्ट से है जो है ना भाई इंडियन मूवीज देख रहे हैं छोटे छोटे होते थे तब भाई वो गैस हमारा इसलिए थोड़ा तेज हुआ हुआ और बहुत ज्यादा तेज हुआ है। तो खैर अब हमें भी ऐसा नहीं लगता कि हम आज के बाद आगे नहीं बोल एक दो अब एक नॉर्मल चीज आप जब देख रहे होते हैं ना तो अचानक आप जिस तरह सीन बांध रहे होते तो मुंह से ऐसी चीज ऑटोमेटिक निकल जाती है कि ये शायद होगा तो वो कुछ सच साबित हो तो यही समझ होती है कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये कुछ इन्होंने हमने भाई अगर देखिए आप एक किसी इंटरेस्ट के साथ कोई चीज देख रहे हैं ना तो ऑटोमेटिक आपके जेहन में आएगा कि मैं भी आगे ये चीज चले तो वो चीजें भाई चल रही होती हैं। इतना ये आपको ये खुश होना चाहिए कि चलो इतने इंटरेस्ट के साथ हम देख तो रहे हैं और हमें खुद जो है ना वो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बाकी आप ठीक है बहुत अच्छे हाँ, चलो बाकी जो आप हमारे दिल में और हम आपके दिल में ये भी हमें बताइए। तो वीडियो करते हैं भाई एंड गुड बाय टेक।